नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जी फार्म खेती बाड़ी में एक बार फिर से स्वागत है। वृक्ष लगाइए और धरती बचाइए। आज हम चर्चा करेंगे आलू के बारे में। जब हमारे आलू की उम्र 45 दिन और 60 दिन की हो जाए तो उसमें क्या क्या खाद डालना है और कौन सी दवाई डालना है जिससे हमारे आलू का साइज 2 गुना हो जाए। इसमें हर वक्त हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 45 दिन पर कौन सा खाद डालें और 60 दिन पर कौन सा खाद डालें। तो जब हमारा आलू 45 दिन का हो जाए उसमें हमें 0-52-34 डालना है और उसके साथ में अमीनो एसिड लिक्विड में डालना है। कोई सी भी कंपनी का अमीनो एसिड डालोगे तो चलेगा। हमें 0-52-34 की मात्रा लेनी है एक बीघा में 250 ग्राम और उसके साथ में अमीनो एसिड लेना है हमें 150 ml प्रति बीघा। ये 45 दिन पे हम जो 0-52-34 NPK डाल रहे हैं ये हम क्यों डाल रहे हैं? इससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे पौधों की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी समय पे हमारे पौध को उनके भोजन बनाने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है। उस समय पे उसकी हाइट भी बढ़ानी होती है उसे और उसमें जो कंद होता है उसकी साइज भी बढ़ानी होती है। तो इसमें जब हम हमारा अमीनो एसिड डाल रहे हैं 0-52-34 के साथ में, वो सीधा कंद पे ही काम करता है कंद की साइज बढ़ाने में। ये तो हमारा हो गया कि हम 45 दिन पे क्या डाल रहे हैं। अब जब हमारा आलू 60 दिन का हो जाता है उस समय पे हमें क्या डालना है? तो उस समय पे जब इसकी हाइट हमें एक्चुअली में देखना है कि अगर जो इसकी हाइट यूँ मान के चलिए कम से कम 2.5 फीट की हो चुकी है, तो 2.5 फीट में इस आलू में हमें इसके उसके बाद हमारी इसकी हाइट नहीं बढ़ना चाहिए आलू की, तब हमें इसमें डालना है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें आप डाल सकते हो सिजेंटा का कल्टार, और वो नहीं डाल रहे हो तो आप लियोसिन डाल सकते हो BSF कंपनी का। आप वो भी नहीं डाल सकते तो चमत्कार डाल लीजिए। ये 3-4 चीज़ें हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। तो ये हमें डालना कितना है, 25-30 ml प्रति पंप, जिससे क्या होगा हमारे प्लांट की जो हाइट है वो तो बढ़ना कम हो जाएगी, और वो जो हाइट बढ़ना तो कम हो गई, अब जो पौधा हमारा है वो भोजन तो बना ही रहा है, अब भोजन बना है तो भोजन कहाँ जाएगा, तो जो उसका कंद बन गया आलू का वो उसकी साइज को बढ़ाने में काम आएगा, वो उसका सारा भोजन वहीं लगेगा। अब अगर जो आप ये तीनों चीज़ें नहीं डाल रहे तो आप इसकी जगह पे 0-0-50 NPK वो डाल सकते हो। इसमें पोटाश की मात्रा पूरी 50% होती है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता है। अब हमें करना क्या है, 0-0-50 की मात्रा हमें बहुत ही लिमिटेड लेनी है। ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा डाल दो। अक्सर बहुत बार किसान क्या होता है कि 1 किलो का 0-0-50 होता है पूरे 2 बीघा में डाल देता है, तो उससे क्या होता है कि आलू एकदम से भड़ला जाते हैं। भड़लाने का मतलब ऐसा है कि वो पूरे सूख जाते हैं अचानक से, तो फिर बोलते हैं अरे ये तो काम नहीं कर रहा है। तो उसे करना क्या है हमें कि प्रति पंप 50 ग्राम लेना है, या फिर 1 किलो का जो हमारा आता है 0-0-50 वो हमें 4 बीघा में पूरा करना है। और 0-0-50 जो हम डाल रहे हैं 60 दिन पे, उसी समय में हमारे आलू को पोटाश की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। उस समय पे हम जैसे ज़मीन से तो दे नहीं सकते, जड़ से जैसे खाद डाल दिया और दे दिया, ये बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो आप इसमें पंप में डालिए और इसको आपके खेत में दे दीजिए, और इसी 0-0-50 को जब तक आपका आलू जिंदा है फिर से, तो इसे हमें कब देना है, एक बार और 80 दिन पे एक बार और डाल दीजिए, वही 1 किलो 0-0-50 को 4 बीघा में फिर से 100% आपके आलू की साइज डबल हो जाएगी। अब जो हमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपने डाला है या 0-0-50 डालना है, ये हमें आखिरी पानी पे जो 60 या 65 दिन का होता है ये उस समय पर डालना है। आपके खेत में आपने आखिरी पानी दे दिया और उसके 3 या 4 दिन के अंतराल में डाल दीजिए, क्योंकि खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए, तो ये काम बहुत अच्छे करते हैं। मैं आपको आलू की एक कंडीशन और दिखाना चाहूँगा कि 0-0-50 या जो हम इसमें डाल रहे हैं पोटाश, ये हमारे आलू की कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कुछ पत्ते हल्के से झुलस गए हैं, या मतलब आपका आलू कुछ 60 या 70 दिन पर मरने की पोजिशन पर है, तो उसमें बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि ये पहले से तो इसकी कंडीशन ख़राब हो रही है। आप इसमें और इसका पौधा अगर जो रस चूसाने वाली है मतलब रस नीचे उतारने वाली कोई सी भी चीज़ें डाल दोगे तो ये बिल्कुल काम नहीं करेगी, आपका पूरा पौधा नष्ट हो जाएगा, आपका जो आलू की साइज जो भी बन रही है वो और भी बिल्कुल नहीं बनेगी। प्रिय किसान मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगे कमेंट कर जरूर बताएं, अपने और किसान मित्रों से साझा करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।